नमस्ते दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप वेल एंड गुड, बिकॉज यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के इस टैकल्स एंड टॉकीज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं प्रीमियर लीग मैच वीक 22 और इसमें भी हर प्रीमियर लीग मैच वीक जैसे बहुत कुछ हुआ। एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन बिकॉज आई हैव प्लान लाइक 8 to 9 अवार्ड्स। तो तुम लोग कमेंट करना मत भूलना कि तुमको क्या लगता है कि वो अवार्ड किसको जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वीक। बाय द वे, कल फीफा अवार्ड्स हुए थे, अब उनके अवार्ड्स तो हो चुके हैं, आज हमारे अवार्ड्स हैं, तो चलो मिलजुल के ये अवार्ड्स शुरू करते हैं। पहला अवार्ड है बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड और इस अवार्ड के लिए आज मेरे पास 3 नॉमिनीज है। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। पता आजकल लोग सेलिब्रेट करना बंद कर दिए यार। तो पहला नॉमिनी है वो है फर्मिनो एंड मिनामिनो। तो ऐसा हुआ कि फर्मिनो कुड इजीली स्कोर द थर्ड गोल फॉर लिवरपूल अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, बट उसने लाइक द मोस्ट अनसेल्फिश पर्सन ही इज, उसने मिनामिनो को असिस्ट किया एंड मिनामिनो ने, शुक्र है वो कन्वर्ट कर दिया, इट वाज हिज बर्थडे एंड ही गॉट द गोल। एंड उसके बाद फर्मिनो ने ऐसा किया कि आजा पीछे सेलिब्रेशन के लिए, एंड देन मिनामिनो उसके ऊपर आया एंड देन दे सेलिब्रेटेड टुगेदर, दैट वाज वेरी स्वीट। जो सेकंड नॉमिनी है मेरे पास इस अवार्ड के लिए वो है एडमा ट्रायोरे। एडमा ट्रायोरे ने फाइनली पहला गोल किया अपना वुल्स के लिए इस सीजन का। तो उसके बाद उसका जो सेलिब्रेशन था वो था, उसने अपने ब्लैक ग्लव्स उतारे, उसके अंदर उसने व्हाइट ग्लव्स पहने हुए थे जिसके ऊपर एक ब्लैक फिस्ट बना हुआ था एंड एक माली एंड स्पेन का फ्लैग था, एंड उसने एंड में ऐसा कप जैसा किया अपने फेस को। नाउ दिस वाज टू फाइट अगेंस्ट रेसिज्म, सो दिस वाज अ सेलिब्रेशन, काफी मीनिंगफुल सेलिब्रेशन था एडमा ट्रायोरे का। लास्ट टॉपिक जो इस अवार्ड के लिए है वो है सेंट मैक्सिमिन। ना उन्होंने इतना तगड़ा गोल मारा था अगेंस्ट वॉटफोर्ड, उसके बाद उनका सेलिब्रेशन था, कुछ एज सच बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था, बट वो जो किक करने के बाद ही स्टैंड्स लाइक दैट, वो वाला सेलिब्रेशन था उनका, इट वाज क्वाइट फन। लेट्स जस्ट गिव द अवार्ड। मैं ये अवार्ड देना चाहती हूँ ऑब्वियसली एडमा ट्रायोरे को, बिकॉज द मीनिंग बिहाइंड द सेलिब्रेशन वाज वेरी सॉलिड एंड आई थिंक दैट यू नो, चलो पहला गोल उसने मारा और उसके बाद उसका सेलिब्रेशन, इट वाज ऑन पॉइंट, सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू गिव इट टू एडमा ट्रायोरे। ओके डन। तुम अपना नीचे कमेंट करके बताना तुमको क्या लगता है किसको मिलना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड अवार्ड और वो है बेस्ट डेब्यू अवार्ड। मुझे लगता है कि तुम और मैं काफी सहमत होंगे इस अवार्ड के लिए। कुछ 3-4 लोग हैं जिनका पहला या दूसरा अपीयरेंस था अपने क्लब के लिए, वो है न्यूकासल एंड एस्टन विला के मोस्टली जो प्लेयर्स हैं, मैं उनका नाम लूंगी इधर। तो न्यूकासल में है क्रिस वुड जिन्होंने पहला अपीयरेंस दिया, देन किरण ट्रिपियर है उसमें, एस्टन विला में वी ऑल नो फिलिप कुटिन्यो जिन्होंने अपना डेब्यू किया, एंड देन देयर इज ऑल्सो लुकस डीन। तो इन 4 लोगों ने अपना डेब्यू किया था। मुझे भी पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अवार्ड किसको जाना चाहिए, तुमको भी पता है यार, कम ऑन तुमको भी पता है। कुटिन्यो हैंड्स डाउन डिजर्व्स दिस अवार्ड, इवन दो लुकस डीन हैड अ वेरी गुड गेम, बहुत अच्छा खेले हैं वो एस्टन विला के लिए, एंड मुझे लग रहा था कि उनको भी जो चांसेस मिले थे गोल करने के लिए वो कर सकते थे। द शॉट्स दैट ही वाज टेकिंग एंड हिज प्रेजेंस इन द गेम वाज सॉलिड, लेकिन इट वाज कुटिन्यो जिनके आते ही गेम पलट गया, एक असिस्ट एंड एक गोल एंड बेस्ट डेब्यू परफॉर्मेंस आई थिंक जो कभी किसी को भी मिलना चाहिए, और जो चाहता होगा कि उनके क्लब के लिए पहला डेब्यू परफॉर्मेंस हो, दिस डेफिनेटली गोज टू कुटिन्यो। लेट्स जस्ट गिव इट टू कुटिन्यो। कुटिन्यो प्लीज ले लीजिए, आकर ले लीजिए ये वाला अवार्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड एंड दैट इज बेस्ट डायलॉग अवार्ड। देखो ये बेस्ट डायलॉग अवार्ड में कुछ भी हो सकता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो या फिर प्लेयर्स ने कुछ बोला हो या फिर जो कॉमेंटेटर्स हैं मैच के दौरान बहुत कुछ बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी फन टू लिसन टू। बाय द वे आई हैड पेप गुआर्डियोला ऑल्सो इन दिस कैटेगरी, क्योंकि उनके जो रिमार्क्स थे रिलेटेड टू व्हाट टुकल सेड दैट देम बीइंग लकी कि उनके कोविड केसेस नहीं हुए, वॉज रियली गुड। लेकिन फिर उसी मैच में एक कॉमेंटेटर थे जिम बैगलिन और उन्होंने एक रिमार्क, एक कमेंट मारा था जो स्लिप ऑफ टंग बोला उन्होंने, एंड दैट वाज एम्प्टी हार्ट वाला। स्लिप ऑफ टंग था नहीं था जो भी है, बट हिम्मत चाहिए यार ऐसा कुछ स्लिप ऑफ टंग होने का कमेंट्री करते टाइम। तो जिम बैगलिन आइए और अपना बेस्ट डायलॉग अवार्ड लेके जाइए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड एंड दैट इज अ स्पेशल मेंशन अवार्ड। लिवरपूल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड के मैच में ब्रेंटफोर्ड के जो फैंस हैं उन्होंने एक फ्लैग बनाया था उधर, और वो था पीट हेवर्ड के लिए। RIP पीट हेवर्ड। पीट हेवर्ड एक बहुत ही बड़े एंड डाई हार्ड ब्रेंटफोर्ड फैन थे एंड ही पास्ड अवे, तो उनको कमेमोरेट करने के लिए जो ब्रेंटफोर्ड के फैंस हैं उन्होंने पीट हेवर्ड के लिए ये जो फ्लैग था वहां लगाया गया, तो ये एक स्पेशल मेंशन अवार्ड उनके लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड एंड दैट इज द बेस्ट सीन अवार्ड। अब ये अवार्ड देंगे उसको जिसने की एकदम ऐसा ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल मूवमेंट कर दिया था पूरे प्रीमियर लीग मैच वीक 22 में। ये जो ब्रेथ टेकिंग वाला मोमेंट था ये सिर्फ एक ही बंदे ने किया है और वो है जेम्स वॉर्ड-प्राउस। यार उनको जो फ्री किक मिला, उन्होंने क्या आउटस्टैंडिंग फ्री किक लिया था। आई डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट दैट कि वो इस तरह कर्ल होके अंदर चला जाएगा, बट इट डेड। That was mind-blowing. How does he do that? Southampton was 2 goals down against Wolves, लेकिन ये वाले फ्री किक के बाद एक अलग एनर्जी आया था साउथहैम्पटन में. लग रहा था साउथहैम्पटन भी जीत सकता है मैच, लेकिन फिर एडमा ट्राओरे का लास्ट मिनट पे गोल हो गया. 3-1 स्कोर लाइन था इस मैच में, लेकिन जेम्स वॉर्ड प्राउस डिजर्व्स दिस अवार्ड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड, और वो है बेस्ट स्टोरी लाइन अवार्ड. अब ये स्टोरी लाइन अवार्ड उसको मिलता है जिस भी फिक्स्चर में बहुत ही बढ़िया स्टोरी रहा हो, और ये अवार्ड मेरे पास एक क्लियर कट विनर है इसके लिए, और वो है एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का फिक्स्चर. आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट फिक्स्चर्स जो प्रीमियर लीग में हुआ है. देखो, जो भी सैटरडे का एक्साइटमेंट था वो तो सिटी वर्सेस चेल्सी मैच की, बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़िया मैच होने वाला है, बट आई डोंट थिंक दैट इट डिलीवर्ड. तो उसी दिन एक मैच हुआ, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला. ओ भाई साहब, क्या मैच था वो वाला. आई एम श्योर दैट यू गाइस वुड हैव सीन दैट, और मैंने भी देखा था, मुझे वीडियो भी बनाना था उस पर. बट आफ्टर द मैच आई स्लेप्ट, एंड अगले दिन मुझे लगा कि इट्स टू लेट टू मेक द वीडियो. आई विश आई डिड, बिकॉज आई वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड बाय द मैच. इट वॉज सो डैम गुड. अब ऐसा है, पहले ही 5-6 मिनट में मैनचेस्टर यूनाइटेड स्कोर्ड. ब्रूनो फर्नांडिस का गोल था वो वाला जो उन्होंने किया. अब इस पर बहुत ही बढ़िया एनालॉजी जाता है, और वो है कारमा. कारमा हिट्स यू बैक. यू रिमेंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला का मैच था ओल्ड ट्रैफर्ड पे, एंड पेनल्टी मिला था, एंड ब्रूनो फर्नांडिस ने वो पेनल्टी लिया, एंड मार्टिनेज था वहां पे एज द गोल कीपर ऑफ एस्टन विला. तो मार्टिनेज ने बोला ना वहां पे रोनाल्डो को कि रोनाल्डो यू शुड टेक द पेनल्टी, ऐसा करके कुछ सीन हुआ था. And then it was Bruno who took the penalty and he missed. And the way Martinez celebrated that, oh my god, and karma hits you back. That's what happened, because Bruno Fernandes का free kick था and उसने गोल किया, वो सेव हो गया था. मार्टिनेज के पास बॉल था, बट उसके कुछ clumsy सेव की वजह से could not hold the ball well and गोल हो गया. सी कारमा हिट्स यू बैक. मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ इस चीज में, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन द मैच एज वेल. उसके बाद जो सेकंड गोल हुआ वो भी ब्रूनो ने किया. इवन दो आई फील दैट आफ्टर 15 और 20 मिनट्स ऑफ द गेम एस्टन विला कंप्लीटली हैड द गेम विद देम. इतना ट्राई कर रहे हैं, पूरे चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. जेकब रैमजी हैड बीन एक्सेप्शनल इन द गेम. दैट 20-year-old यंगस्टर, द वे ही प्लेड, आई थिंक वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड, बिकॉज बहुत अच्छा गेम रहा उसका भी. उसके बाद जैसे मैंने बताया, लुकस डीन एंड कुटिन्यो का डेब्यू था. लुकस डीन ने तो चलो स्टार्ट ही किया था, लेकिन कुटिन्यो बेंच से आए, उसके बाद गेम पलट दिया यार. क्रेडिट गोज टू स्टीवन जेरार्ड एज वेल, जिस तरीके से उसने सब्स्टिट्यूशंस किए, जिस तरीके से उसने पूरा लाइनअप किया, एंड द वे द टीम हेल्ड इट्स बैक. वो कॉन्फिडेंस रखना पूरे टाइम की, भाई नहीं हम कर सकते हैं, और वो दिख रहा था एस्टन विला के परफॉर्मेंस से. दैट इज व्हाई दिस अवार्ड इज गोइंग टू गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला का फिक्स्चर. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट अवार्ड, एंड दैट इज बेस्ट गोल अवार्ड. और हमेशा की तरह इस अवार्ड में भी मेरे पास बहुत सारे नॉमिनीज हैं. पहला नॉमिनी है मेरे पास सेंट मैक्सिमिन. वॉटफर्ड के अगेंस्ट उसका गोल, कैसे डिफेंडर्स को काट कूट के आगे चला जाता है ड्रिबल करके. दैट पेस, दैट स्पीड, दैट कंपोजर ऑन द बॉल, हाउ डज ही डू दैट. और उसके बाद शॉट लेगा एंड दैट्स इट, हो गया, गोल हो गया. ये नहीं है कि तुम ओवर द बार देख रहे हो उसको जाते हुए, कहीं साइड सूट से निकल गया. दैट गुड इज सेंट मैक्सिमन, तो उसका मेंशन करना बहुत जरूरी था इधर. सेकेंड नॉमिनी इज Kevin De Bruyne. Obviously Kevin De Bruyne was going to be in the nominees of Best Goal Award. Chelsea के against वो वाला गोल निकालना, कांटे एंड थियागो सिल्वा को किस तरह उनके बीच से बॉल निकाल के, he just took that shot and गोल हो गया. तो KDB deserves to be here. थर्ड नॉमिनी इज रिचार्लिसन. ना रिचार्लिसन का ओवरहेड किक था एवर्टन के अगेंस्ट, इवन दो कुछ मैटर नहीं करा, बिकॉज इवेंचुअली दे लॉस्ट द मैच. एक कॉर्नर मिला था एवर्टन को, और उस कॉर्नर को क्लियर नहीं कर पाई नॉर्विच, और वहीं से रिचार्लिसन ने ओवरहेड किक मारा, एंड आई थिंक इट डिजर्व्स टू बी हियर. लास्ट नॉमिनी इस कैटेगरी में होने वाले हैं एडमा ट्रायोरे. जैसे मैंने मेंशन किया, एडमा ट्रायोरे का गोल बहुत ही ब्रिलियंट रहा. पहला गोल था सीजन का. आई से वन थिंग अबाउट एडमा ट्रायोरे लॉट, और वो ये है कि जब वो एक बार डिस्पोजेस कर दे या जैसे मर्जी करके उनके पास जब बॉल आ जाता है, द रन दैट ही मेक्स टू गो टू द पेनल्टी बॉक्स ऑफ द ऑपोजिशन, ऑफ द ओपोनेंट. ओ भाई, मतलब ही इज अनस्टॉपेबल. देयर इज नो वे कि कोई उनको रोक सकता है उधर से, बिकॉज ही इज दैट गुड. वो भाग के एकदम वहां पहुंच जाएंगे. जब फाइनल थर्ड में पहुंचते हैं ना, वहां जाके ही मैसेज हिट अप. आई विश उनका अगर फिनिशिंग क्लिनिकल होता ना, तुम सोचो किस तरीके से वो गोल्स निकाल सकते हैं. आई एम श्योर हर एक गोल वर्ल्ड क्लास होता है, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाते, बट उन्होंने कल के मैच में कर दिया, फिनिश हो गया. दैट इज व्हाई एडमा ट्राओरे डिजर्व्स टू बी हियर इन दिस नॉमिनेशन. देखो, मेरा मन है कि मैं सेंट मैक्सिमन को ये वाला अवार्ड दूं, बट मुझे लगता है केडीबी डिजर्व्स दिस वन, बिकॉज जो ओपोनेंट था वो काफी स्ट्रांग था और उनके अगेंस्ट उसने वो गोल निकाला है. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू गिव टू केविन डे ब्रुइना बिकॉज ही डिजर्व्स इट. सो दिस अवार्ड गोज टू केविन डे ब्रुइना. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस अवार्ड एंड दैट इज बेस्ट मैनेजर अवार्ड. अब इसके लिए मेरे पास दो नॉमिनीज है. एक है स्टीवन जेरार्ड. देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला का मैच था, मैंने उसकी सारी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी. आई थिंक स्टीवन जेरार्ड हैज बीन ब्रिलियंट फॉर एस्टन विला. कोई भी मैच लगा लो उनका इट्स नेवर डिसअपॉइंटिंग. ऐसा लगता है कि हाँ यार दे डिजर्व टू विन, लेकिन कुछ ना कुछ करके रह जाते हैं. सेकंड नॉमिनेशन बेस्ट मैनेजर के अवार्ड में मेरे लिए है मार्सेलो बियल्सा. देखो लीड्स यूनाइटेड हैज did not really have a good season. हर मैच हारना, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं. वेस्टहैम का जो मैच था लीड्स के साथ 2-3 एंड हुआ एंड वेस्टहैम इज द टीम जो कि आजकल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन लीड्स यूनाइटेड ने उनके, या तो मैं बोलूँ जैक हैरिसन ने हैट्रिक मारा है उनके अगेंस्ट. जो भी लगा लो मार्सेलो बियल्सा डिजर्व्स टू बी इन द नॉमिनेशन क्योंकि वो वेस्टहैम के अगेंस्ट जीते हैं. अवे फिक्सचर था, दैट वाज वेरी गुड. लेकिन अगर मुझे किसी एक को यहाँ पे देना है अवार्ड, मैं मार्सेलो बियल्सा को दूंगी. अगर स्टीवन जेरार्ड वो मैच जीत जाता डेफिनेटली आई वुड हैव लाइक गिवन इट टू स्टीवी. वो कमबैक बहुत बढ़िया था, बस वो 3 पॉइंट्स ले लेता डेफिनेटली स्टीवन जेरार्ड वॉज गोइंग टू गेट दिस वन. लेकिन इसमें आई एम गोइंग टू गिव टू मार्सेलो बियल्सा. तुम कमेंट करना मत भूलना कि ये अवार्ड्स कौन डिजर्व करता है. आई वुड लव टू नो. एंड अगर मैंने किसी को मेंशन नहीं किया उसके बारे में डेफिनेटली बताना बिकॉज आई वुड लव टू नो कि क्या मैं किसी को मिस कर रही हूँ कि नहीं. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट दैट बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी. थैंक यू. नमस्ते.